रिम्स में नवनिर्मित पावर ग्रिड के विश्राम सदन का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया। करीब 20 करोड़ की लागत से बने 310 बेड के अत्याधुनिक विश्राम सदन से रिम्स में इलाजरत मरीज के परिजनों को भी लाभ मिलेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने सामाजिक दायित्व के तहत इस विश्राम सदन को बनवाया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा नवनिर्मित विश्राम सदन का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। 310 बेड के विश्राम सदन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांके विधायक समरी लाल समेत रिम्स प्रबंधन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारी मौजूद रहे। आज से 5 साल पहले जब आरके सिंह जी माननीय मंत्री थे उद्घाटन, मैं उनके पास गया, मैंने आग्रह किया कि एक हमको उपहार चाहिए और उन्होंने सहज 10 मिनट के अंदर मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज 5 साल बाद यह इतना बड़ा विश्राम गृह झारखंड के नागरिकों को लिए समर्पित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच गांव गरीब किसान के लिए और यह उपहार बहुत बड़ा उपहार। और मैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को यह भी आश्वस्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जब कभी भी राजहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में, मानव हित में कोई भी केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं आएंगी जो हमारे राज्य और राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए काम करेगी, तो हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोगी साथी बनकर काम करेंगे। करीब 18 करोड़ की लागत से बने पावर ग्रिड विश्राम सदन का लाभ राज्य की नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीज के परिजनों को मिल सकेगा। लोगों को सुविधा कैसे मिले? आज इस विश्राम सदन के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो हजारों लोग बाहर से आसपास से इलाज के लिए आते हैं और उनको यहाँ अपने मरीज को दाखिल कराने के बाद उनके जो साथ लोग होते हैं उनकी देखरेख करने वाले उनको भटकना पड़ता है, जैसे जी ने बताया। तो अब ये 300 कुछ कमरे का जो विश्राम सदन बना है इसमें साल भर में जो अनुमान लगाया गया है कि 90,000 लोगों को एक साल के अंदर इसका लाभ होगा। रिम्स में आने वाले मरीज और परिजनों को कई बार इलाज के दौरान कई दिनों तक रुकने में काफी समस्याओं का सामना होता था। फिलहाल पावर ग्रिड के शुरू हो जाने से मरीज के परिजनों को इलाज के दौरान रखने के लिए छत नसीब हो सकेगा। फिलहाल पावर ग्रिड का बेहतर संचालन रिम्स प्रबंधन कैसे करता है यह देखना होगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी कौशल नारायण के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।